रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं देश भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में शमशान कर देने वाली एक घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सरेआम महिला को उसके परिजनों ने पेड़ पर बांध कर लाठियों से पीटा। लड़की की 3 महीने पहले शादी हुई, ससुराल छोड़कर घर आ जाने को लेकर परिजन नाराज थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 5 योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन 3 महीने के बाद भी किसी में नियम नहीं बने तो किसी में आवेदन नहीं मिले। जिनमें मिले हैं उनमें जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिला है। सरकार ने यह भी कहा है उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐलान के बाद भी योजना सिर्फ कागजों में है, कोई नियम नहीं बना। जम्मू कश्मीर के कार चोर की गिरफ्तारी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक कार चोर की मोबाइल से आतंकियों की तस्वीरें मिलने के बाद इंटेलिजेंस एजेंट्स अलर्ट हो गई है। एक चोर की गिरफ्तारी जम्मू से हुई है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी कैराना से हुई है। चोरों के आतंकियों से रिश्ते पर आईबी पूछताछ कर रही है। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच में जुट गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते रविवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर के रहने वाले शौकत और कैराना के रहने वाले जुबैर को गिरफ्तार कर 4 लग्जरी गाड़ियों और 1 पिस्टल बरामद की है। साथ ही इन अपराधियों से 100 नंबर प्लेट भी रिकवर की गई है। जांच में पता चला है कि जून महीने में शौकत 5 बार फ्लाइट से दिल्ली आ चुका था। शौकत का मोबाइल फोन एजेंसियों ने खंगाला, जिसमें कश्मीर के कई आतंकियों की फोटो मिली है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ कहर बरपा रही है। बागमती और कोसी खतरे के निशान के पार। बिहार के खगड़िया जिले में बाढ़ से निचले इलाके में दहशत। सुपौल में कोसी नदी की तेज धार से आधा दर्जन गांव में बाढ़ से तबाही। कई सड़कों का हुआ बुरा हाल। दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से गिरा एक घर की छत का कुछ हिस्सा। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रक्सौल में लगातार भारी बारिश से हाहाकार। गांव में घुसा पानी। घर से बाजार के लिए 20 रुपए वसूल रहे हैं नाव वाले। कोसी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जापान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स ने कहर मचा रखा है। टोक्यो शहर पानी में डूब गया है। लैंडस्लाइड में अब तक 20 लोगों के लापता होने की खबर है। 2 लोगों के मरने की भी सूचना आ चुकी है। लगभग 700 पुलिस बल के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे। इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को तैयार हैं। कहानियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी से किसी को गाली नहीं दी। निलंबन पर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक आशीष शैला ने कहा है कि ठाकरे सरकार तालिबान की तरह काम कर रही है। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। ना तो मैंने और ना ही किसी अन्य विधायक ने भास्कर जाधव को गाली दी। बीजेपी के किसी भी सदस्य ने कैबिन में गाली गलौज नहीं की। मैंने उनसे माफी भी मांगी, इसके बावजूद उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। नेहा कक्कड़ जिस घर के एक रूम में किराए पर रहती थी, वहां पर उन्होंने एक आलीशान बंगलो खड़ा कर लिया है। अपने इस खूबसूरत बंगले के सपने को पूरा करने के लिए नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ ने जाने कितने स्ट्रगल के दिन देखे हैं। नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की और अपने बंगले की तस्वीर शेयर की। वाहनों में पथराव और तोड़फोड़ के दृश्य तापी के हैं। झड़प के बाद सोनगढ़ तालुका के दोसवाला गांव में तनाव बढ़ गया था। यहां पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सहयोग से दोसवाला गांव में वेदांत कंपनी के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान जिंक मिल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस परियोजना से प्रदूषण बढ़ेगा और स्थानीय पर्यावरण प्रभावित होगा। इस संबंध में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक जन सुनवाई की गई है।